दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है। वहीं सोनीपत के उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने बताया कि अभी वहां पर प्रशासनिक टीम पहुंच रही है। किन कारणों से सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, इस बारे में जिला प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं है। टीएमसीटी करनाल में तरावड़ी के पास नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया है। यह हादसा ट्रक और प्राइवेट बस के बीच टक्कर के कारण हुआ। इसमें 17 लोग घायल हो गए। बस में सवार सभी लोग बिहार अपने घर जा रहे थे। इस हादसे में 2 की हालत गंभीर है। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल डीजल दोनों 80 के पार, लगातार 20वें दिन हुई बढ़ोतरी। देश में पहली बार एक दिन में आए 17,000 से ज्यादा केस, अब तक 15,301 की मौत। चीन के खतरे से निपटने के लिए होगी अमेरिका सेना की तैनाती, अमेरिकी विदेश मंत्री का ऐलान। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के त्राल क्षेत्र में सेवा उल्लार में आतंकवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार बीती रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान और एक सैन्य कर्मी भी जख्मी हुए हैं। पीजीआई में वीरवार को 36 साल के एक कोरोना पॉजिटिव शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक मूल रूप से मधुबनी का रहने वाला था। वहीं वीरवार को पीजीआई में कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए भर्ती किया गया। सेक्टर 50 के प्रोग्रेसिव एनक्लेव में वीरवार को 34 साल की कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती किया गया। पीजीआई में इस समय 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 10 आईसीयू में और 15 जनरल वार्ड में हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।